फिरोजाबाद में जन अधिकार पार्टी के तत्वाधान में पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक भाईचारा सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह सम्मेलन का आयोजन जसराना विधानसभा के गांव आडम में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि बाबू सिंह कुशवाहा, पूर्व कैबिनेट मंत्री यूपी सरकार ने सपा और भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा और भाजपा दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। सपा है तो बीजेपी है और बीजेपी है तो सपा है। जनता के बीच जा रहे हैं, क्या मुद्दे होंगे? मुद्दा हमारा ये है एक समान शिक्षा पद्धति हो, फ्री शिक्षा हो, पढ़ने के बाद बच्चों को रोजगार हो, गरीब और कमजोर को फ्री स्वास्थ्य हो, फ्री इलाज हो, जाति जनगणना हो, किसान को खाद भी सस्ता हो, उसकी फसल की सही कीमत हो, बिजली फ्री हो। ये मुद्दे इस तरह के हैं, गरीब के लिए, मजदूर के लिए, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। इन नारों के साथ हम लोगों के बीच में जा रहे हैं और हम लोगों ने इधर 2.5 महीने से पूरे उत्तर प्रदेश के लगभग 55 जिलों में हम लोगों ने पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक भाईचारा बनाओ सम्मेलन हम लोगों ने किया। यूपी में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं? उत्तर प्रदेश में हम पूरी 403 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हमारी खुद की तैयारी 305 विधानसभा में है, जहां हमारा बूथ लेवल तक का संगठन तैयार है। और अगर हम अकेले लड़ेंगे तो 305 सीटों पर लड़ेंगे, लेकिन कुछ हमारे साथियों से, जैसे हमारे साथी हैं आदरणीय रामकरण कश्यप जी, और कुछ साथियों से बात कर रहे हैं जो उनके छोटे संगठन हैं, तो अगर और लोगों से बात हो जाती है तो पूरे 403 सीटों पर लड़ेंगे, कोई सीट हम छोड़ेंगे नहीं और पूरी मजबूती से लड़ेंगे। अच्छा, किसी से समझौता करके लड़ेंगे या पार्टी नहीं सीटों? हमारे साथ छोटे संगठन हैं जैसे रामकरण कश्यप जी हैं, इसी तरह और कुछ साथियों से बात हो रही है, तो उनके साथ मिल करके हम पूरे 403 सीटों पर लड़ेंगे। बड़ी पार्टी से किसी से हमारी कोई बातचीत नहीं। यूपी में किससे मुकाबला मानते हैं आप? हमारा मुकाबला जो लड़ाई में दिखाई पड़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, यही लड़ पाएंगे। आज की सभा का क्या मुख्य उद्देश्य है? आज की सभा का क्या मुख्य उद्देश्य है? आज की सभा के मुख्य उद्देश्य क्या होते हैं? मुख्य उद्देश्य है दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक भाईचारा बनाओ सम्मेलन, जिनकी हमारी समस्याएं सबकी एक तरह हैं। हम सब लोग दबे कुचले मजलूम लोग हैं, अगर हम अपने वोट का इकट्ठा करके एक जगह जन अधिकार पार्टी का इस्तेमाल करें और अपना प्रत्याशी जिता करके विधानसभा में भेजें, सत्ता में भागीदारी करें, वहीं से हमारी समस्याओं का समाधान हो सके।